अगर आप भी दिवाली की खरीदारी करने जा रहे हैं तो आज के वीडियो में हम आपको बता दें कि आपको खरीदारी करते समय किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। दिवाली से पहले बहुत सारी खरीदारी की जाती है। दिवाली के त्योहार में बहुत ज्यादा रौनक भी बाजारों में देखने को मिल जाती है। ऐसे में घर की सजावट का सामान, बर्तन, आभूषण, कपड़ों की खरीदारी लोगों को करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। दिवाली के मौके पर ग्राहकों के लिए कई आकर्षक ऑफर्स की बाढ़ भी आ जाती है। ऑफर्स के चक्कर में कई बार दिवाली की खरीदारी करते समय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए इस बार दिवाली की खरीदारी करने जा रहे हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें। आप बजट बनाकर ही खरीदारी करें। अगर आपको भी त्योहार के लिए खरीदारी करनी है तो सबसे पहले अपना बजट निर्धारित करें। लोग अक्सर खरीदारी के वक्त बजट नहीं बनाते हैं और इससे त्योहार में जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, जिससे उनका महीने का बजट भी बिगड़ जाता है। इसलिए अपने बजट के मुताबिक ही खरीदारी करें। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि खरीदारी के लिए इन दिनों क्रेडिट कार्ड, लोन या फिर पे लेटर जैसे विकल्प बाजार में आ चुके हैं। शॉपिंग करते समय आप इन विकल्प का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं और बाद में कर्ज में डूब जाते हैं। कोशिश करें कि आप खर्च कम से कम करें, साथ ही खरीदारी के लिए ऐसे किसी विकल्प को ना अपनाएं। वहीं आपको ध्यान रखना है कि आप इस त्योहार की सेल से भी सावधान रहें। अक्सर त्योहार के दौरान सुहावने सेल आते हैं। सेल में खरीदारी करते समय लोगों को लगता है कि सामान कितना सस्ता है, लेकिन इस चक्कर में वे जरूरत से ज्यादा सामान खरीद लेते हैं और ऐसे में उनके पैसे ज्यादा खर्च हो जाते हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि सेल में शॉपिंग करते समय भी आप जरूरत से ज्यादा शॉपिंग ना करें। और आखिर में आपको बता दें कि आपको उन चीजों को खरीदना चाहिए जिनकी आपको जरूरत है। ऐसे में खर्च करते समय आपको प्राथमिकता तय करनी चाहिए कि आपको अभी किन चीजों की जरूरत है।